हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो? अच्छे हो? चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन के मैं पहले दो वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने बेसिक बताया कि रोलिंग मोशन क्या होता है और कैसे कैसे हर पार्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, कैसे एक्सेलरेशन, कैसे डिस्प्लेसमेंट। दूसरे मैंने वीडियो लेक्चर में बच्चों आपको पढ़ाया प्योर रोलिंग की कंडीशन ये थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। आज हम बात करेंगे बच्चों एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, पहले मैंने डायरेक्ट बताया है बच्चों आपको कि आपके पास पी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। आज इसको रियलाइज करके डेरिवेशन करेंगे बस, ठीक है बच्चों? कंपटीशन के लिए सिर्फ आपको ये याद होने चाहिए और स्कूल एग्जाम के लिए डेरिवेशन थोड़े से आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है? थोड़ा फील हो जाएगा कि ये कैसे आते हैं, ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया था, अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मतलब बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन प्लस में रोटेशन। ये बात हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास से किसी वेलोसिटी वी सी यू एम से बच्चों घूम रहे हैं। वी सी यू एम को मैं वी सी लिख देती हूँ समझने के लिए, बार बार पूरा ना लिखना पड़े। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसके यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, हर एक पार्ट की वेलोसिटी निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल है जिनका मास एम वन एम टू एम थ्री होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, हर एक पॉइंट की क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और टोटली उसको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। क्योंकि देखो हर एक पॉइंट की वैसे बच्चों वेलोसिटी अलग होगी, क्यों होगी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाई थी कि अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालूं तो एक तो आपके सेंटर ऑफ मास के कारण हो रहा, हर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा और घूमने के कारण उसमें वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, आर ओमेगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ए पॉइंट की वी प्लस आर ओमेगा। अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूँ बच्चों, सेंटर ऑफ मास के कारण वो आगे भाग रहा और रोटेशन के कारण उसमें क्या वेलोसिटी आ रही, आर ओमेगा। इस पी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूँ तो वी सी माइनस आर ओमेगा। अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो ये वी सी वेलोसिटी से आगे भाग रहा और ओमेगा के कारण वो आगे रोटेट कर रहा, इसको मैं जड़ पॉइंट कह देती हूँ। तो जड़ पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे वी सी, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वी सी का स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर। यह आपको पता ही है कि हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से बच्चों यहाँ पे घूम रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल के उसको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, ठीक है? तो देखो हमने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया जो बच्चों ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, आर बी द रेडियस, और हर नंबर ऑफ पार्टिकल है इसमें बच्चों जिनका मास क्या है, एम वन एम टू और एम थ्री है बच्चों। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वन बाय टू एम वन वी वन का स्केयर, वन बाय टू एम टू वी टू का स्केयर, वन बाय टू एम वी थ्री का स्केयर, एस सो, ठीक है? एन पार्टिकल है तो एन के लिए क्या लिख देंगे बच्चों, वन बाय टू एम एन वी एन का स्केयर, ठीक है? ये सब हम यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों। अब देखो ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगी बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बात अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी कि जब बच्चों रोल करती है कोई भी बॉडी तो उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग। इसी फॉर्मूले से, जैसे मैंने सिंपली इस फॉर्मूले को क्या लिखा था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किसके बराबर थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? वी सी ओ एम, ये क्या था, वी सी ओ एम लिख सकते हो आप लोग। ये मैंने आपको सिखाई थी बच्चों ये बात, मैं ये कह सकती हूँ इस चीज को, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि माने ये वन पार्टिकल है, ये क्या बच्चों वन पार्टिकल है, मैं क्या कहूँ, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल
रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकती हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो क्या लिखूंगी मैं, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। इसके बाद बात करेंगे आपके पास वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अरे सिंपली है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला लगा है। अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वन क्या, वन पार्टिकल को होता है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, वन क्या का मतलब क्या, फर्स्ट पार्टिकल, ये वन लिखा ना वी वन, तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, वन मतलब वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस इसको इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सी। देखो बच्चों मैं ये लिख सकती हूँ, मैंने इसी फॉर्मूले को यूज करा, अरे पार्टिकल वन था तो मैंने वन लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक्चुअल में इन सब में मैं यही तो कर रही हूँ ना, पिछले वीडियो लेक्चर में ये बात समझाई थी मैंने, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कितना रोटेट कर रहा है, तो ये तो लिखा मैंने। तो अब मैं सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी ग्राउंड की, क्योंकि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना, तो ऐसे लिख सकते, ऐसे मैं टू को लिख सकती हूँ, टू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या बता रहा है बच्चों, सी मतलब सेंटर ऑफ मास, यहाँ सी का मतलब क्या बच्चों, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसी तरह मैं थ्री पार्टिकल के लिए लिख सकती हूँ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ थ्री पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ थ्री पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सी मतलब बच्चों सेंटर ऑफ मास। मैंने हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए हर एक पार्टिकल, और हर एक पार्टिकल ये मैंने दिखाई ये बात, अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है बच्चों, ठीक है। नोट करो बच्चों इतना, फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। सिंपली कुछ नहीं करा बच्चों मैंने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी में बॉडी में क्या हो रही है, तो ये पार्टिकल देखो रोटेट रोलिंग मोशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के कारण पार्टिकल आगे भी जा रहा और ओमेगा का कारण बच्चों पार्टिकल रोटेट भी कर रहा, तो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और एक रोटेशनल वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के कारण है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रोटेशनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, रोटेशन के कारण, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, आर ओमेगा। तो मैं वही लिख रहा, यही लिखा मैंने, इसी फॉर्मूले को बच्चों मैंने यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपके पास इसको हटा दो बच्चों में, यहाँ से इधर से हटा दो बच्चों में, तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों इसको, तो मैं यहाँ पे वन की जगह लिखूंगी, देखो यहाँ पे वन बाई टू एम वन वी वन की जगह लिख दूंगी बच्चों मैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको इतना ही छोड़ दूँ, ये आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब आगे तक जा रहा है। एम वन एम वन को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों, सी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास, समझ आ रहा है, प्लस इसका स्केल प्लस बच्चों वन बाई टू, मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख रही हूँ इधर, ये प्लस यहाँ आएगा फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं है इसलिए, प्लस वन बाई टू एम टू वी टू की वैल्यू बच्चों, वी टू की वैल्यू क्या लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्केल, ऐसो सारे पार्टिकल्स के लिए बच्चों ऐसे लिख लेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो वन बाई टू एम वन, देखो ये क्या आएगा, वेलोसिटी इसका ए प्लस बी का स्केयर खोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एम वन वी वन सी स्केयर प्लस वन बी सी जी टू वी सी जी प्लस टू वी वन सी, इसका स्केयर खोल लिया। इसी तरह बच्चों में इसका भी स्केयर खोल लूंगी,
एम टू वी सी जी का स्केयर वी टू सी का स्केयर प्लस टू वी सी जी प्लस वी टू सी एंड सोन। ठीक है, इतना लिखो बच्चों, मैं इधर से थोड़ी जगह नहीं, मैं इस साइड लिखूंगी। इतना नोट करो बच्चों। नोट कर लिया बच्चों जल्दी से? नोट कर लो बच्चों जल्दी से, हो गया बच्चों? अब देखो मैं इसको हटा रही हूँ बच्चों, इधर से हटा दूं तो देखो बच्चों यहां से यहां पे क्या आएगा बच्चों आपके पास, मैं इसको लिख रही हूँ बच्चों इधर, ये तो मेरे पास क्या आया बच्चों, यहां से देखो 1/2 m1 वी सी जी का स्केयर, तो देखो इसी तरह 1/2 m2 वी सी जी का स्केयर आएगा, 1/2 m2 एक साथ लिख रही बच्चों में वी सी जी का स्केयर, इसी तरह एस ऑन चलता चलेगा इस सीरीज में। देखो मैंने एक साथ ये लिख लिया m1 vcg का स्केयर m2 vcg का स्केयर, ये पहले फैक्टर उठा दिया। इसी तरह प्लस बच्चों क्या आएगा, 1/2 v1c का स्केयर m1 प्लस 1/2 m2 v2c का स्केयर, सारे पार्टिकल आ जाएंगे बच्चों ऐसे ही प्लस। तीसरी लाइन में क्या आएगा बच्चों, 1/2 m1 1/2 अंदर जाएगा तो 2 1 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 1/2 m1 2 v1 vcg और v1c प्लस 1/2 m2 2 vcg v2c एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, फिर ये क्या बना बच्चों, देखो यहां से 1/2 तो सब में बाहर बच्चों इसमें देखो, तो ये देखो मास m / ev का स्केयर, वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे पार्टिकल इसी वेलोसिटी से बच्चों भाग रहे हैं सारे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो फिक्स है। टोटल मास को ऐड कर दूंगी मैं, तो मैं यहां से क्या ले लूंगी, तो फर्स्ट सीरीज में क्या आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वीसी का मतलब वीसीजी क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास का, इसका स्केयर ये बाहर आ जाएगा बच्चों, 1/2 भी बाहर, तो अंदर क्या बचा 1/m2 प्लस m3 एस ओ। ठीक है, प्लस ये बच्चों देखो ये पार्टिकल की वेलोसिटी, ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना रोटेट कर रहा, तो उसके लिए क्या लिख रहे थे बच्चों हम लोग, आर ओमेगा, हर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे यहाँ भी बताया था ये पार्टिकल है इसकी, एक तो सेंटर ऑफ मास की कारण वी सी होगी और एक रोटेशन की कारण क्या लिखते थे बच्चों, आर ओमेगा। तो ये क्या होती थी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या होती थी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जब पार्टिकल जो है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना रोटेट कर रहा, आर ओमेगा, तो मैं वी वन को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, वी वन सी को क्या लिख सकती हूँ, आर ओमेगा। ठीक है, और रोटेशन में बच्चों आपको बार बार बता रहे, रिजिड बॉडी का केस है, एंगुलर वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी जो है बच्चों वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट पार्टिकल के लिए आर ओमेगा, दूसरे पार्टिकल के लिए आर टू ओमेगा, ऐसे लिख लूंगी बच्चों में, तो यहाँ पे लिखो, तो ये बना सेकेंड टर्म को देखो, 1/2 तो बाहर लिख लू मैं थ्रू आउट, 1/2 पूरी टर्म में है, तो अंदर क्या बचा एम वन, बी वन सी को क्या लिख लिया, आर वन ओमेगा, आर वन ओमेगा का स्केयर। ठीक है, तो ये आर वन का स्केयर ओमेगा का स्केयर बन जाएगा, प्लस एम टू आर टू का स्केयर ओमेगा का स्केयर, ये समझ आ गई, हटा दो बच्चों यहां से, आर टू का स्केयर ओमेगा का स्केयर एंड सो ऑन। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था बच्चों, 1/2 तो कोई 2 से 2 बच्चों कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखो 2 से 2 तो इस सीरीज में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों एम वन, तो ये वीसीजी भी कॉमन आ जाएगा, एक सेम है सब में, तो ये वीसीजी मैंने बाहर ले लिया, वीसीजी मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या बचा बच्चों, ऐसे m1 v1c प्लस m2 v2c। देखो बच्चों ये कुछ टर्म आपको जानी पहचानी लग रही है आपके पास वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको क्या करूं बच्चों, इस टर्म को मैं टोटल मास से डिवाइड कर दूं, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टर्म क्या बता रही है पार्टिकल की, ये टर्म किसको इंडिकेट,
इंडिकेट कर रही है सेंटर ऑफ मास को। देखो यहाँ से सेंटर ऑफ मास में ये बताया था ना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, बी सी यू एम का फॉर्मूला, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड बाय टोटल मास, ये होता था। तो ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये जो हमें इंडिकेट कर रहा है ये सारा टर्म, ये किसकी वेलोसिटी बचा रहा है आपके पास, सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी खुद के ही रिस्पेक्ट में। ये क्या है बच्चों यहां से एम सी ओ एम, ये क्या बता रहा है, सी ओ एम बी सी जी इंटू, ये भी सेंटर ऑफ मास को बता रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ये टर्म क्या बता रही है बच्चों यहाँ पे आपके पास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, ये सेंटर ऑफ मास को इंडिकेट कर रहा है। ये किसकी किसकी वेलोसिटी बता रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो, उसी एक्सिस पे। मैं अपने ही रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी देखूंगी तो क्या बनेगी, जीरो। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो ये टर्म क्या बता रही है आपको, सेंटर ऑफ मास को इंडिकेट, और सेंटर ऑफ मास अपने ही एक्सिस पे अपने ही पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगी, VCUM माइनस VCUM क्या बनी, जीरो। तो ये बन जाएगी बच्चों जीरो। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका जीरो। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ये इधर से हटा दो बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी ने, आई थिंक हो गया नोट इधर से। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, यहाँ से सारे टर्म्स को, तो आपके पास देखो क्या बचे आपके पास बच्चों, ये टर्म बचे, टोटल मास एम हो जाएगा यहाँ पे, तो वन बाई टू एम बी सी जी का स्केयर प्लस यहां से ओमेगा स्केयर बाहर आ जाएगा बच्चों, वन बाई टू ओमेगा स्केयर बाहर, एम वन आर वन का स्केयर प्लस एम टू आर टू का स्केयर एंड सो ऑन, और ये ओमेगा स्केयर बाहर आ गया, और ये तीसरी टर्म क्या होगी बच्चों, जीरो। तो क्या आया, वन बाई टू एम वी सी जी का स्केयर, एम वन आर वन का स्केयर क्या बता रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वन बाई टू आई वन प्लस आई टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में था बच्चों, यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास। क्या आ जाएगा, वन बाई टू एम वी, इसको क्या लिख सकते हो, वी सी जी का स्केयर प्लस वन बाई टू आई ओमेगा का स्केयर, ये किसके रिस्पेक्ट है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। सी क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास को, सी किसको इंडिकेट कर रहा है, तो क्या मिली टोटल वेलोसिटी, वन बाई टू एम वी सी ओ एम का स्केयर प्लस वन बाई टू आई ओमेगा का स्केयर, ये भी किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, सी ओ एम। तो क्या हुआ बच्चों आपके पास, जब भी बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल एनर्जी और एक रोटेशनल एनर्जी। ये मैंने आपको फील करके दिखाया कि ग्राउंड में रिस्पेक्ट में कैसे निकल, मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, अभी बता दूंगी आपको मैं डायरेक्ट कैसे आया, लेकिन इससे इस डेरिवेशन से जस्ट फील हुआ आपको कि ये कैसे आया, मैंने हर एक पॉइंट को वेलोसिटी निकाली, आपको ये समझ आया कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी रोटेशन में, मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली और जैसे सिचुएशन बन रही थी उसको सोल्व करके ये फाइंड आउट। देखो शॉर्ट में बताती हूँ एक बार, नोट करो इसको जल्दी से, कर लिया नोट बच्चों, नोट हो गया बच्चों। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट आपके पास बच्चों, देखो मैं ये कह रही हूँ बॉडी रोटेट कर रही है बच्चों, रोलिंग मोशन में है बच्चों, तो आपके पास इसकी आर रेडियस है और ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। तो जब बॉडी रोटेट करेगी, शॉर्ट में देखो बिल्कुल, जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसके पास दो एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी और एक रोटेशनल एनर्जी। ये बात तो समझ आती कि जब बॉडी रोल करेगी बच्चों तो उसके पास दो एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी और एक रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी तो एक तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी थी VC और एक क्या थी, रोटेशनल वेलोसिटी R ओमेगा, एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और एक रोटेशनल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे मैं देखूं तो एक आपकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एक रोटेशनल वेलोसिटी, तो दो वेलोसिटी थी आपके पास, एक रोटेशन के कारण R ओमेगा, एक सेंटर ऑफ मास के कारण VC। तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों, दो हो जाएगी। तो आपके टोटल एनर्जी को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, ट्रांसलेशन के कारण क्या हो जाएगी बच्चों, वन बाई टू एम वी का स्केयर, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बच्चों, सेंटर ऑफ मास के स्केयर के रिस्पेक्ट। ठीक है, प्लस वी सी जी है, जी मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस रोटेशन के कारण मैंने निकलवाई थी आपको पीछे, रोटेशन के कारण एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वन बाई टू आई ओमेगा का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगी, वन बाई टू आई ओमेगा का स्केयर, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, मोमेंट
होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, या उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, टोटल मास एम VCOM का स्केयर, VCOM लिख लो या VCG, VCG क्या होता है, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वही है, ठीक है, या 1/2 आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा का स्केयर। बिल्कुल डायरेक्ट में मैंने ये लिख दिया और डेरिवेशन से मैंने आपको फील करके बताया कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, नोट करिए, क्लियर हुआ? अब क्या ध्यान रखोगे बच्चों कि जब बॉडी रोटेट करेगी, जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी और बच्चों रोटेशनल एनर्जी भी होगी। क्लियर हुआ? समझ आई बच्चों बात? क्लियर? अब आगे देखो, अब बात कर लेते हैं मोमेंटम के लिए और बात कर लेते हैं। मोमेंटम वैसे तो पता ही है बच्चों, जो रोलिंग मोशन होगा तो आपके पास, आप पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम, किसकी बात करते हैं बच्चों, लीनियर मोमेंटम, ये बॉडी है बच्चों। तो मैंने बताया था इसके पास हर एक पार्टिकल का मास m1 m2 अलग अलग है और सेंटर ऑफ मास जो है VCOM वेलोसिटी से क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है, ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है r विद द रेडियस, ठीक है। मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी प्लस में रोटेशन, ठीक है बच्चों। तो आपके पास बात करते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, हर एक पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम होगा लीनियर, जब रोटेशन मोशन होता तो लीनियर मोमेंटम ही होगा पार्टिकल के अंदर। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, तो आपके पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिंपल पता है, पी नेट टोटल मोमेंटम या पी नेट क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो पता है ना, पार्टिकल का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ही होगा, ठीक है। और ये m1 v1 ये किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी मैंने बताया v1 वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल जो रोटेट करता है बच्चों तो उसके अलग, यहाँ पे वेलोसिटी देखो तो क्या होगी, VC प्लस आर ओमेगा, यहाँ पे देखो तो ये आर ओमेगा, ये V, आपके पास ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, V स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर। इस पॉइंट पे देखो तो ये V वेलोसिटी से आगे जा रहा, VC से आर ओमेगा से पीछे आ रहा, तो नेट वेलोसिटी VC माइनस आर ओमेगा इस P पॉइंट की वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट अलग अलग पार्टिकल जो है बच्चों अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मतलब रोटेट कर, तो अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है। तो मैं हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर लेती हूँ बच्चों, फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो मैं उसी तरीके से इस V1 को क्या लिख सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या लिख सकती हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखूंगी मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ये सारी वेलोसिटी मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, V1G को निकाल लूंगी, ये मैं इधर ले आऊंगी, तो देखो ये V1C प्लस VCG बराबर V1G, तो V1G बराबर V1C प्लस में VCG, वही कर रही हूँ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल को वन मान लिया, वन पार्टिकल के लिए वन लिख दिया, टू पार्टिकल के लिए टू लिख दिया, बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली टर्म प्लस आगे पीछे लिख लो आप चाहो तो, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो मैंने आपके पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया। इसी तरह बच्चों हम टू पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, तो टू पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, टू पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं आप सारी वेलोसिटीज को बच्चों इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूंगी, इधर नोट लिख लो बच्चों, मैं इधर लिख लूं, ये हटा दूं ऊपर से, ये हटा लूं बच्चों, ये तो समझ आ गया, पिछले वीडियो लेक्चर में बार बार बता रही हूँ चीजें। इससे मैंने ये बताया कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। तो क्या आया बच्चों यहाँ से आपके पास, PT इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, m1 v1 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से VCG प्लस V1C, m2 को क्या लिख सकते हो, VCG प्लस V2C प्लस m3 को वैसे लिख लोगे, m3 को क्या लिख दोगे, VCG प्लस V3 से, so और क्या बनेगा, m1 into VCG, देखो इसको अलग अलग लिख लो,
देखो ये एम वन बी सी जी प्लस, देखो ये बी सी जी इसके साथ भी आएगा, एम टू के साथ भी, एम थ्री के साथ भी, मैं एक साथ लिख दू, ये अलग अलग लिख देती हूँ, चलो एम वन वी वन सी प्लस एम टू वी सी जी प्लस एम टू वी टू सी प्लस एम थ्री वी सी जी एम थ्री वी थ्री सी एस सो सो सो। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख लू बच्चों में, एम वन वी सी जी एम एम टू वी सी जी, देखो एक टर्म ये एक टर्म ये सब में कॉमन है, वी सी जी क्या लिख दू मैं, वी सी जी कॉमन बच्चों, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड एंड सो प्लस। अब यहाँ से देखो ये क्या बच्चा, एम वन वी वन सी प्लस एम टू वी टू सी प्लस एम थ्री वी थ्री सी एंड सो ओन। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्या बन गया टोटल मास, तो क्या बना एम इंटू वी सी जी, वी सी जी मतलब सेंटर ऑफ मास। अब ये देखो ये टर्म क्या बता रही है इधर से, देखो ये टर्म एम वन वी वन एम टू वी टू किसको इंडिकेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको टोटल मास से डिवाइड कर दू बच्चों और टोटल मास से मैं मल्टीप्लाई कर दू, तो ये टर्म किसको बता रही है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी बच्चों, मैं कहूं सेंटर ऑफ मास के ही रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनी सेंटर ऑफ मास एम बी सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग सारे पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाले बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी जीरो। तो ये टर्म बच्चों क्या बन जाएगी, जीरो। देखो मेरी बात समझ आई, ये क्या है सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, और हम सारे सिस्टम की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये वी वन सी ये वी सी वी सी सब किस किसके रिस्पेक्ट में लिखी है मैंने, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ही रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, जीरो। अरे मैं लिखू सेंटर ऑफ वी सी इंटू वी सी, क्या हो जाएगा, वी सी मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो वी सी माइनस वी सी क्या बना बच्चों, जीरो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या बन गई बच्चों, जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ गया टोटल मोमेंटम एम इंटू वी सी ओ एम, ये एक ही बात है, ऐसे लिख दो या ऐसे, समझ आया बच्चों, नोट करिए जल्दी से, ये लीनियर मोमेंटम होगा आपके पास। ठीक है, जल्दी से नोट करिए बच्चों। अब सिमिलरली बच्चों हम निकाल सकते हैं किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। सिमिलरली ये डेरिवेशन किसके लिए कर देते हैं आप लोग, एंगुलर मोमेंटम के लिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट हो गया बच्चों। देखिए बच्चों फॉर एंगुलर मोमेंटम किसके लिए बात करते हैं, आप एंगुलर मोमेंटम के लिए बात करते हैं। देखो बच्चों जब बॉडी रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की अबाउट वेलोसिटी वी सी एम होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी अबाउट द सेंटर ऑफ मास वी सी, और ये रेडियस क्या होगी बच्चों आपके पास आर। तो बच्चों जब बॉडी रोटेट करेगी तो इसके अंदर क्या होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन होगा और एक आप लोग रोटेशनल मोशन। तो मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रांसलेटरी मोशन की कार एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर प्लस में एम वी। ट्रांसलेटरी मोशन के कारण बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने आर प्लस में एम वी। ठीक है, प्लस रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आई ओमेगा, तो क्या आ जाएगा आई ओमेगा। हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे आर क्रॉस एम वी सी ओ एम प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। आपको ध्यान तो ये रखना डेरिवेशन कैसे आया, डेरिवेशन की बात कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, ये नोट कर लो बच्चों, फिर मैं थोड़ी जगह बनाती हूँ, कर लिया ये नोट, हमें ये निकालना है, हमें ये ही निकालना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, वन टू थ्री नोट कर लिया। अब देखो मैं थोड़ी सी फिर जगह नहीं बचती ऊपर बच्चों, इसलिए कर रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल है बच्चों, सिस्टम है ओमेगा वेलोसिटी से रूट, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है बच्चों, ये वीसी वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। तो मैंने बात करी थी एंगुलर मोमेंटम, ये पार्टिकल है जिसका मास एम है और ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। तो हम यहां से किसी रेडियस के लिए इसकी बात करें, ठीक है, तो इस रेडियस आर के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या आया था बच्चों आर क्रॉस में एम वी, यही निकाला था हमने, बोलो यही तो निकाला था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली थी इसकी, तो इसको क्रॉस को खोलेंगे तो क्या जाएगा एम वी साइन थीटा। सेम बात बच्चों यहाँ पे करेंगे, मान लिया आपने ये पार्टिकल कंसिडर कर लिया, तो ये वेलोसिटी होगी बच्चों अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगी, देखो ये वेलोसिटी आर सी किससे पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, और ये पार्टिकल है यहां से,
ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने बच्चों, आर वन। पार्टिकल की ये डिस्टेंस कितनी मान ली बच्चों मैंने, आर वन। सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस यहाँ पे, ये पार्टिकल क्या है आपका, एम वन मास है। तो मैं एल वन को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहां से आर, आर वन क्रॉस में एम वी वन। एल वन को क्या लिख सकती हूँ, आर वन क्रॉस में एम वी वन। इसी तरह एल टू को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, आर टू क्रॉस में एम, ये एम वन पार्टिकल और एम टू पार्टिकल की एम वी टू। ठीक है, तो आपके टोटल के लिए कैसे लिखोगे इसको बच्चों, यहां से एक बात देखते हैं बच्चों कि ये v1 को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है बच्चों हमें, और r1 डिस्प्लेसमेंट को भी किसके रिस्पेक्ट में लिखना है हमने, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो अगर मैं इसको v1 तो आपने अभी अभी लिखा ही है, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं इस फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ मैं, आर वन क्रॉस एम वन, वी वन को क्या लिख सकती हूँ मैं, वी सी जी प्लस वी वन सी। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, दो ही ले रही हूँ बच्चों सिर्फ, है ना, बल्कि मैं एक से ही करूंगी, दो में तो और भी कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, थोड़ा सा एक क्रॉस प्रोडक्ट का है ना बच्चों, इसलिए ये बनेगा वी सी जी प्लस वी टू सी, जैसा कि हमने पिछले में लिखा बच्चों, जैसा कि हमने पिछले केस में लिखा था बच्चों इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ से ये डिस्टेंस है बच्चों, मैं इसको बाहर निकालती हूँ, आर वन सी के लिए लिखते हैं इसको, किसके लिखती हूँ मैं, आर वन, ये मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसी तरह बच्चों मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखूंगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बस वी की जगह आर लगा दूंगी। देखो बाकी वेक्टर रूल से समझ सकते हो, ये वाली ट्रायंगल देखो, ये आपको ऐसे दिख रही है, ये एम वन पार्टिकल है, ये आपके पास आर सी है, ये आपके पास आर वन, ये क्या आर वन सी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहां से आर सी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आर सी प्लस आर वन सी बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, आर वन के, वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग। अरे बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से आर वन के। तो मैं आर वन को क्या लिख सकती हूँ, देखो आर सी प्लस में आर वन सी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये किसके बराबर रिस्पेक्ट में बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं आर वन को क्या लिख सकती हूँ, देखो ये तो लिखा मैंने आर वन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिखो तो लिख दो आर वन बराबर आर सी जी प्लस आर वन सी, देखो यही तो है, आर वन बराबर आर सी जी प्लस में आर वन सी। ठीक है, इसी तरह मैं आर टू को लिख लूंगी बच्चों, आर टू आर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो मैंने वेक्टर रूल से करके दिखा दिया आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे भी इसको भी लिखेंगे, तो मैं इसको क्या लिखूंगी बच्चों, यहाँ से समझ आ गया, यहाँ से एल वन को क्या लिखूंगी, आर वन को क्या लिख सकती हूँ मैं, आर सी जी प्लस आर वन सी प्लस एम वन वी सी जी प्लस वी वन सी। इसी तरह बच्चों मैं एल टू को लिखूंगी, आर टू आर सी जी प्लस आर टू सी आर टू सी प्लस एम टू वी सी जी प्लस वी टू सी। ठीक है, एच एल वन एल टू एल थ्री सबके लिए ऐसे लिखते चले जाए, एक बार इतना नोट करो बच्चों, फिर पूरे बोर्ड पे एक्सप्रेशन आना इसका आएगा नहीं आप में, एक बार इतना नोट कर लो बच्चों, फिर इसको खोलते हैं। बस आप कुछ नहीं बच्चों, टर्न बाय टर्न खोल रहे हैं, कुछ टर्म सेंटर ऑफ मास की बन जाएगी वो कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म्स आपकी आ जाएंगी बच्चों। ठीक है, हो गया बच्चों, नोट कर लिया इतना, मैं ऊपर से हटा दो एक बार इसको, हो गया ना, वन टू थ्री कर लिया, अब मैं इसको हटा लूँ। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह बन जाएगी, ऊपर ऊपर लंबी लाइन जाएगी। तो ये बना बच्चों टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री ऐड कर देंगे बच्चों। तो ये बना बच्चों यहाँ से आर सी जी प्लस आर वन सी, ठीक है, प्लस एम वन वी सी जी प्लस एम वन वी वन सी, मैंने एक साथ लिख दिया इसको। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्या बना, ये क्रॉस है बच्चों, प्लस नहीं है इनके बीच में, ये क्रॉस है बच्चों यहाँ पे, अरे आर क्रॉस एम बी लिख रहे थे ना, फॉर्मूला क्या था एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस में एम बी, तो प्लस नहीं आएगा बच्चों, ये बीच में क्या आएगा आपका, क्रॉस आएगा। ठीक है,
तो मैं इसको अभी ऐसे नहीं लिख सकती, मैं ऐसे लिखूंगी इसको एम वन वी सी जी प्लस वी वन सी प्लस एल टू को भी ऐसे लिख दूंगी बच्चों में आर सी जी प्लस आर टू सी प्लस क्रॉस एम टू वी सी जी प्लस वी टू सी एंड सो ऑन एल थ्री एल फोर सारे पार्टिकल के लिए बच्चों एल सो ऑन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो आपके पास ये हटा दो बच्चों, देखो आप बच्चों मैं सबसे पहले देखती हूँ यहां से एम वन बार ले लो, यहां से एम वन को तो लिख सकते हैं ना, देखो एल क्या होता है आर क्रॉस एम वी, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एम इंटू आर क्रॉस वी, ऐसे लिख सकती हूँ ना आर, और एल को क्या लिखते हो आर क्रॉस एम वी, मैं एम को बाहर ले लो एम तो कॉन्स्टेंट, क्या लिख सकती हूँ आर क्रॉस वी। ठीक है, तो मैंने एम को बाहर ले लिया है, एम वन को बाहर ले लिया इस फैक्टर में से, क्या लिख सकती हूँ मैं आर सी जी क्रॉस वी सी जी, देखो क्या लिख सकते हो एम वन को बाहर ले लिया आर सी जी क्रॉस वी सी जी, एक बार फिर करो प्लस आर सी जी क्रॉस वी वन सी, फिर एक बार इसकी इसके साथ करो प्लस आर वन सी क्रॉस वी सी जी, फिर एक बार इसकी इसके साथ फिर करो प्लस आर वन सी क्रॉस वी वन सी, देखो कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ए प्लस बी कोई टर्म है और इधर है सी प्लस डी कोई टर्म, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो एक बार इसकी इसके साथ एक बार इसकी इसके साथ एक बार इसकी इसके साथ एक बार इसकी, यही तो करा मैंने, इनकी सिर्फ मल्टीप्लाई करी, एक बार आर सी जी की इसके साथ करी, एक बार आर सी जी की इसके साथ करी, एक बार आर वन सी की इसके साथ, एक बार वन सी की इसके साथ। ठीक है बच्चों, सब मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, अब इधर जगह नहीं थोड़ा इधर लिख रही, ध्यान ले आ रही हूँ, प्लस एम टू के लिए लिखोगे सेम, तो आर सी जी क्रॉस वी सी जी, ठीक है प्लस आर सी जी क्रॉस वी टू सी प्लस आर टू सी क्रॉस वी सी जी प्लस आर टू सी क्रॉस वी टू सी एसओ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे एक बार आर सी जी के, ये इसके साथ एक बार इसके साथ। ठीक है, ये सारे बच्चों टर्म्स आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब कॉमन ले लो, देखो एल, देखो ये वाला फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या है बच्चों आर सी जी क्रॉस वी सी जी कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों ये इस फैक्टर, सिर्फ ये फैक्टर सब में आएगा ना एम वन एम टू एम थ्री में, तो ये बाहर क्या बचा इसमें एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन तक चलता जाएगा जितने भी पार्टिकल होंगे। देखो ये आर वन, देखो मैं यहां इसके लिखूंगी तो मैं ये फैक्टर सब में बनेगा ना, तो मैंने ये कॉमन ले लिया फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, अगर इस सेकेंड फैक्टर की बात करूं देखो प्लस, तो क्या आया बच्चों ये एम वन आर सी जी क्रॉस वी वन सी, ये फैक्टर बनेगा बच्चों एम वन आर सी जी क्रॉस वी वन सी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं आर सी जी, तो एज इट इज एम वन को मैं वी वन सी के साथ लिख सकती हूँ, एम वन को समझाने के लिए मैं आपको क्रॉस एम वन वी वन सी, इसी तरह देखो ये फैक्टर भी बनेगा प्लस आर सी जी क्रॉस क्रॉस एम टू वी टू सी, मैं इस वाले फैक्टर की बात करूं बच्चों इस बार, ये दोनों में है इसके लिए बात करें। ठीक है, अब देखो आगे अगली टर्म आएगी, अब इसमें देखो प्लस, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एम वन को वी वन सी के साथ लिख दिया, एम वन को किसके साथ लिख दिया वी वन सी के साथ लिख दिया। ठीक है, अब अगले टर्म में देखो बच्चों, अगले टर्म में क्या बन रहा है यहां से एम एम वन, ये वाली टर्म देखो, ये वाले ये क्या बनेगा बच्चों यहां से, इसमें मैं ऐसे लिख देती हूँ आर वी सी जी आर वन एम वन आर वन सी प्लस क्रॉस वी सी जी क्रॉस वी सी जी प्लस एम टू आर टू सी, ये एम टू आगे मल्टीप्लाई में आएगा ना बच्चों, इस एम टू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी क्रॉस वी सी जी। ठीक है, प्लस एम वन को अभी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एम वन आर वन सी क्रॉस वी वन सी प्लस, ये बना बच्चों यहां पे प्लस एम टू आर टू सी क्रॉस आर वी टू सी। अब देखो बच्चों यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं यहां से अगर आर सी कॉमन ले लू, देखो आर सी जी इसमें भी आर सी जी इसमें भी है,
ये कॉमन आ जाएगा, ये टोटल मास बन गया बच्चों। तो देखो ये बना एल इज इक्वल्स टू आर सी जी, आर सी जी क्रॉस वी सी जी इंटू टोटल मास एम आ गया बच्चों। ये सम होके पहले टर्म दूसरे टर्म में देखो, यहां से मैं आर सी जी कॉमन ले लू, आर सी जी मैंने कॉमन लिया तो क्या बनाइए एम वन वी वन सी एम टू वी टू सी ठीक है एंड सो ऑन ठीक है। प्लस इसमें देखो बच्चों वी सी जी कॉमन है, वी सी जी कॉमन आया तो ये बना एम वन आर वन सी प्लस एम टू आर टू सी, इन दोनों में देखो वी सी जी कॉमन था। तीसरे टर्म में क्या बच्चों एम वन, तीसरे टर्म में ऐसे कुछ कॉमन नहीं है ठीक है, एम वन आर वी वन सी देखो ये क्या बता रहा है एम वन आपके पास एम वन आर वन सी प्लस क्रॉस वी वन सी प्लस एम टू आर टू सी क्रॉस वी टू सी। अब देखो बच्चों ये दो टर्म देखो एक बार पहले आप, ये देखो एम वन वी वन एम टू वी टू, अगर मैं टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल मास से इसको डिवाइड कर दूं तो ये सेंटर ऑफ मास की टर्म बन रही है देखो ये, तो ये वेलोसिटी किसकी आएगी बच्चों VCM। और हम सारे सिस्टम की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी बच्चों जीरो। इसी तरह बच्चों ये रेडियस किसके लिए बन जाएगी सेंटर ऑफ मास के लिए, पार्टिकल देखो ये हम क्या करते हैं पार्टिकल की ये सेंटर ऑफ मास ये RCM है, RCM RCM यहीं पे आ गया बच्चों सेंटर ऑफ मास पे आ गया RCM RCM के ही रिस्पेक्ट में, तो ये फैक्टर भी कैसा बन जाएगा बच्चों आपके पास जीरो। अगर मैं इसको टोटल मास से डिवाइड करूं टोटल मास से मल्टीप्लाई तो ये टर्म किसकी बन रही है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगी जीरो, इसीलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जीरो, जैसे कि मैंने पहले दो केस में समझाया। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे जीरो, ये दोनों टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो। इतना नोट करो बच्चों जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं, कर लिया बच्चों नोट, हो गया नोट हो गया बच्चों। आगे देखो मैं इस सबको हटा रही हूं ठीक है, देखो कुछ नहीं मैंने एडजस्ट करके मेरे पास क्या होता है बच्चों आर क्रॉस एम बी, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर इंटू एम इंटू आर बी ठीक है, तो मैं एम को वी के साथ भी लिख सकती हूँ, मैं एम इंटू आर क्रॉस वी भी लिख सकती हूँ, तो मुझे जैसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ ठीक है बच्चों समझ आए यहां से। अब देखो यहां से ये बना आपके पास बच्चों ये जो वैल्यू बनी यहां से ये वैल्यू, ये तो क्या बन गया यहां से एल इज इक्वल्स टू आर सेंटर ऑफ मास क्रॉस एम को इसके साथ लिख लो चीज इसके साथ एम वी सी ओ एम सी जी लिख लो या सेंटर ऑफ मास लिख लो सी जी लिख लो ठीक है, ये सी जी लिख लो बाद में लिख देंगे सी जी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड याद भी रहेगा। ये फैक्टर भी जीरो बन गया बच्चों, ये क्यों जीरो बन गया बताया पता लगा, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या हो जाएगी जीरो, इसलिए ये टर्म भी बच्चों क्या हो जाएगी जीरो। अब क्या बता बच्चों आपके पास ये टर्म बची प्लस क्या बचा एम वन वी वन, देखो ये क्या दिखा रहा बच्चों वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में क्या लिखते थे आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होती थी आर ओमेगा, मैं यहां पे क्या लिख दूंगी बच्चों एम वन आर वन एम वन आर वन इंटू में क्या जाएगा बच्चों यहां से आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी बच्चों एम वन आर वन बी वन सी को क्या लिख सकते हैं आर वन ओमेगा, तो क्या बन जाएगा ये बच्चों आर वन ओमेगा ठीक है। देखो ये आर वन पार्टिकल है बच्चों और ये आपके पास सेंटर ऑफ मास है, तो आर वन पार्टिकल सेंटर ऑफ मास एंगल क्या बनाएगा लगभग आपका 90 डिग्री बनाएगा ठीक है, तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा 90 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम वन आर वन एम वन आर वन ओमेगा कॉस के वी वन सी को क्या लिख लेंगे आर वन ओमेगा ठीक है, अरे ये क्या था आर वन सी तो था ही और वी को क्या लिख सकते आर वन ओमेगा, ये आ जाएगा बच्चों आर वन सी का स्केयर इंटू ओमेगा का स्केयर, इसी तरह एम टू आर टू सी आर टू सी ये ओमेगा स्केयर नहीं ओमेगा ही रहेगा आर टू सी इंटू ओमेगा एंड सो ऑन। तो ये टर्म तो क्या बन गई बच्चों एल इज इक्वल टू आर सी जी प्लस एम वी सी जी ठीक है, प्लस ये एम वन आर वन का स्केयर
प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये ओमेगा बच्चों सब में सेम है, बाहर आ जाएगा। तो ये बना बच्चों आर सी जी प्लस एम वी सी जी प्लस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन प्लस आई टू आई थ्री सब एड हो जाएंगे आई सी एम इंटू ओमेगा। तो जब बॉडी बच्चों रोटेट करेगी तो ट्रांसलेशन के कारण ये एंगुलर मोमेंटम और रोटेशन के कारण बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार इस पॉइंट को, नोट कर लिया। हो गया, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें, यहां से रेडियस यहां से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब सी का मतलब सेंटर ऑफ मास, सी वर्ड क्या बता रहा बच्चों सेंटर ऑफ मास, जी मतलब ग्राउंड। मैं सीधा लिख सकते हो आर क्रॉस एम इंटू डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू ग्राउंड से देखेंगे वी सी ओ एम प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। इसी को बच्चों ऐसे लिख देते शॉर्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो ट्रांसलेटरी ट्रांसलेशन मोशन के कारण ये एंगुलर मोमेंटम और रोटेशन के कारण क्या होगा बच्चों आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया। हो गया, अब आगे एक क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी रोलिंग मोशन के बाद इसके काफी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन के बाद, ठीक है। ये बच्चों एक आपके पास रिंग है, डिस्क मान लो, रिंग नहीं डिस्क कुछ भी कह दो, रिंग डिस्क, ठीक है बच्चों। ये डिस्क है आपके पास कोई, इसका मास एम है, इसकी रेडियस आर है। ये डिस्क है बच्चों, इसका मास एम है, इसकी रेडियस क्या है आर है। यह एच हाइट पे ऐसे रखी हुई इसी प्लेन के ऊपर। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क व्हेन व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी, व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी। जब ये बॉल यहां से रोल करती हुई यहां पे पहुंचेगी तो इसकी इस पॉइंट पे एंगुलर स्पीड बतानी है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या बतानी है, इसकी एंगुलर स्पीड बतानी है बी पॉइंट पे या लोअर मोस्ट पॉइंट पॉइंट बी, ठीक है। तो बताइए सरफेस स्मूथ है बच्चों, कोई फ्रिक्शन नहीं है आपके पास, यहाँ पे कह रहा कि कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा, स्मूथ सरफेस है। सरफेस कैसा है बच्चों, स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं। तो देखो बच्चों बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का कंडीशन क्या था, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या लगेगा, यू आई ग्रेविटी के कारण लगेगा, लेकिन ग्रेविटी ऑल्सो आपके पास क्या, आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट बच्चों हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इनिशियली बॉल यहाँ पे रेस्ट में, डिस्क है बच्चों रेस्ट में, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी एम जी एच। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों इसकी जीरो। जब वो रोल करती हुई यहाँ पे पहुंची तो उसके पास इस सरफेस पे रोटेशनल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी। तो रोटेशनल एनर्जी जब वो इस सरफेस पे पहुंचेगी, देखो वो यहां से वो ऐसे रोल करती हुई वो यहाँ पे नीचे जा रही है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो किस ये वेलोसिटी क्या है बच्चों बी सी ओ एम क्या आएगी, वन बाय टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों जीरो हो जाएगी इस सरफेस पे, पोटेंशियल एनर्जी तो इस सरफेस पे क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वन बाई टू एम बी सी एम का स्केयर, अभी करवाया था जब बॉडी रोल करती है उसके पास दो एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशन एनर्जी और एक रोटेशन एनर्जी, ठीक है। और रोटेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, रोल करते हुए जा रही है ना, तो ट्रांसलेशन एनर्जी तो वन बाई टू एम बी का स्केयर, और रोटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों वन बाई टू आई ओमेगा का स्केयर, वन बाई टू आई ओमेगा का स्केयर, ठीक है। तो बी सी एम को क्या लिख सकते हैं बच्चों आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में हम ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 1/2 mr का स्क्वायर। पुट करो बच्चों mgh 1/2 m, ये m सेम ही होता है बच्चों, छोटा बड़ा ऐसे लिख देते m r ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 mr का स्क्वायर ओमेगा का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख दिया 1/2 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चों mgh बराबर 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। टू इधर ले जाओ बच्चों, m से m थ्रोट कैंसिल, टू इधर 2gh क्या बना r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ये बना 2r स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा हूँ आपसे, वो कह रहा है कि जब इस पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पहुंच रहे हैं, तो 2gh 2 से 2 बच्चों कैंसिल, तो gh बाई r स्क्वायर बराबर ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों gh का अंडर रूट और r बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ले लिया ना, तो ये आ जाएगी बच्चों उसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी बच्चों उसकी एंगुलर स्पीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आ गया सभी को इतना, ठीक है बच्चों समझ आया। तो ये आज के वीडियो लेक्चर के कुछ टॉपिक थे, आपको आज के वीडियो लेक्चर में डेरिवेशन थोड़े देख लेना बच्चों, बाकी एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि मोमेंटम क्या होगा m इंटू वी सी यू एम, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं 1/2 m v c u m का स्क्वायर प्लस 1/2 i ओमेगा का स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस m v c u m प्लस i ओमेगा, ठीक है। ये मैंने डेरिवेशन फील करवाया कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे वेलोसिटी चेंज होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बच्चों रोलिंग मोशन, किसकी बात करेंगे रोलिंग मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नोट्स जरूर बनाने हैं बच्चों, रिविजन जरूर करना है, जब तक रिविजन नहीं करोगे चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है। और कंटिन्यूटी बनानी है पढ़ाई में, ये नहीं एक दिन पढ़ ले हफ्ते भर फिर नहीं पढ़े, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही।